यो में हम क्विज नहीं लाए हैं। अब हमने अपना करंट अफेयर का जो शेड्यूल था वो फिक्स कर लिया है। उसमें हम बात करेंगे कि टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे मंडे से स्टार्ट होगा, पर कल हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो आज ट्यूसडे को मैं अपलोड कर रही हूँ इम्पोर्टेंट डेज का, जो कि है 1 से 7 जून के। ठीक है, 7 दिनों का हम टारगेट लेके चलेंगे। 7 दिनों का एक टॉपिक एक ही दिन में पढ़ लेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेज आज पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, मतलब पुरस्कार और सम्मान 1 से 7 जून के बीच किस किस को और किस लिए दिया गया। ऐसे ही डे वाइज अपलोड करेंगे, और क्विज जो है वो सैटरडे संडे को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो क्विज में जो बाकी का मिड टर्म रह जाता है, मतलब और भी जो अभियान वगैरह चलाए जाते हैं इसके अलावा, जो भी देश दुनिया में हो रहा है वो सब हम क्विज में ले लेंगे, या वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर जो भी आपको चाहिए वो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि वन वर्ड की क्वेश्चन आंसर बेस्ड चाहिए या फिर क्विज चाहिए। ठीक है, तो आप सैटरडे संडे का शेड्यूल आप लोग डिसाइड करके हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और मंडे टू फ्राइडे आपको टॉपिक वाइज सारी डिटेल मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, 1 से 7 जून के बीच। तो पहला जो है आपको दिख रहा है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है, पहली बार मनाया गया। ओके, 7 जून 2019 को पहली बार मनाया गया है ये। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है आपका, कौन सा दिवस 7 जून को पहली बार मनाया गया। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है एग्जाम में। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में पहली बार मनाया गया है। इसे 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, याद रखने की चीज है किसके द्वारा अपनाया गया, तो 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया, और 2019 को पहली बार, 2019 में पहली बार बनाया गया 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, अब इस वर्ष का विषय क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी आता है एग्जाम में कि 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था। तो खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय, ये इसका विषय है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय हाईलाइट होता जा रहा है, वैसे मैंने रेड हाईलाइट कर रखा है, उसके बाद भी और हाईलाइट कर दिया है आप लोगों के लिए। तो याद कर लीजिए, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, पहली बार मनाया गया 2019 में, 2018 में अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, और 2019 का विषय है खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। ठीक है, कुछ और टॉपिक आपको ये नीचे दिख रही है डिटेल्स, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन FAO के सहयोग से इसे मनाया गया था। ठीक है, और FSSAI परिसर में स्थापित की गई एक गांधी ऑन अ साइकिल की प्रतिमा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट निकलता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो गांधी ऑन अ साइकिल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, गांधी ऑन अ साइकिल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके बाद निकलता है, क्लीन स्ट्रीट फूड हब के रूप में किसे मान्यता दी गई, तो अमृतसर के गोल्डन टेंपल स्ट्रीट को। ठीक है, अमृतसर के गोल्डन टेंपल स्ट्रीट को क्लीन स्ट्रीट फूड हब के रूप में मान्यता दी गई है। काफी सारे क्वेश्चंस आपके आज अटेम्प्ट हो जाएंगे इसमें, आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल स्ट्रीट को क्लीन स्ट्रीट फूड हब के रूप में मान्यता दी गई है विश्व खाद्य के दिवस के अवसर पर, जो कि 7 जून को मनाया गया 2019 में पहली बार। ठीक है, इसके बाद देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने खाद्य तेलों वसा घी में आर्थिक रूप से संचालित मिलावट का तेजी से पता लगाने, 1 मिनट से भी कम समय वाले एक नई युग से हाथ से चलने वाला बैटरी चालित उपकरण जिसका नाम है रमन 1.0, ठीक है, इसे लॉन्च किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, बैटरी चालित उपकरण का नाम बताइए जो कि लॉन्च किया गया विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर, तो रमन 1.0। ओके, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, तो आपको याद रखनी है काफी सारी चीजें, खाद्य सुरक्षा के जो टॉपिक है काफी ये लंबा है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपके निकल रहे हैं, तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा या फिर नोट्स बना लीजिए अपने, जैसे भी आप करना चाहें।
इसके साथ ही विश्व खाद्य दिवस के मौके पर देखिए एक और क्या हुआ, फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स लॉन्च किया गया। ठीक है, इस अभिनव समाधान की को शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है, फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स। ये स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मोस्टली इस टॉपिक को लिया गया है। उसके बाद FSSAI ने नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने के लिए खाद्य कंपनी और व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देने के लिए ईट राइट अवार्ड्स की स्थापना की। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर FSSAI द्वारा किसकी स्थापना की गई, तो ईट राइट अवार्ड्स की स्थापना दी गई। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है यहाँ पे, और एक वेब संसाधन ऑनलाइन लाइब्रेरी भी लॉन्च की गई। ठीक है, वेब संसाधन ऑनलाइन लाइब्रेरी भी लॉन्च की गई। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है। इसकी स्थापना की गई है 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। अब FSSAI के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है रीता तेवतिया। ठीक है, FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष हो गई रीता तेवतिया। इसके बाद 6 जून को आ गए हम। ठीक है, 6 जून को महाराणा प्रताप जयंती 2019 को मनाई गई। 6 जून 2019 को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप कौन थे, ये पहले युद्ध, स्वतंत्रता के पहले युद्ध की शुरुआत करने के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब 2019 में कौन सी जयंती मनाई गई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है ये, 2019 में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 479th। ठीक है, 479वीं जयंती मनाई गई, 479th जयंती इनकी मनाई गई। ओके, 2019 में किसकी, महाराणा प्रताप की, कब, 6 जून को। अब महाराणा प्रताप कौन थे, तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे। ठीक है, मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे महाराणा प्रताप, जिनकी 6 जून को 479th जयंती मनाई गई। मेवाड़ के एक राजपूत महाराणा प्रताप सिंह की जयंती 6 जून को महाराणा प्रताप जयंती के रूप में मनाई गई। अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 जून को आता है, विश्व पर्यावरण दिवस। सभी जानते हैं ये डेट तो फिक्स होनी ही चाहिए आपके माइंड में, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस WED मनाया गया। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1974 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में। ओके, अब इस साल का मेजबान देश कौन था, तो 2019 का मेजबान देश था चीन और 2018 का था भारत। ठीक है, 2019 का मेजबान देश चीन है और 2018 का था भारत। और विषय, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विषय है बीट एयर पॉल्यूशन। 2019 का विश्व पर्यावरण दिवस का जो विषय है वो है बीट एयर पॉल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 5 जून को। पहली बार कब मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1974 में। 2019 का मेजबान देश कौन है, चीन। 2018 का मेजबान देश था भारत। और विषय है 2019 का बीट एयर पॉल्यूशन। ठीक है, दिमाग में फिट कर लीजिए। अब इस दिन कुछ और भी फेमस पर्सनालिटीज द्वारा कुछ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, हैशटैग सेल्फी विद सैपलिंग अभियान की शुरुआत हुई। किसने करी शुरुआत, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं ये। किस अभियान की शुरुआत की है, हैशटैग सेल्फी विद सैपलिंग अभियान की किसने करी है, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, अभियान का नाम आपको याद हो गया, हैशटैग सेल्फी विद सैपलिंग अभियान। यह अभियान जनता से एक पौधा लगाने और सोशल मीडिया पर इसके साथ एक सेल्फी पोस्ट करने का आग्रह करता है। ठीक है, छोटा सा इसका वो है मोटिवेशन इसके पीछे, कि आप एक पौधा लगाइए, उसके साथ सेल्फी लीजिए और उसको फिर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दीजिए।
ओके, हैशटैग इन दिनों वैसे भी काफी फेमस है। और देखिए, अब गुजरात ने दुनिया की पहली पीएम उत्सर्जन ट्रेडिंग योजना शुरू की। गुजरात ने, पीएम से प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ, पीएम का यहाँ मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। नीचे देखिए हाईलाइट किया हुआ है मैंने, पीएम का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। तो कहाँ पे हुई है योजना की शुरुआत? गुजरात में हुई है। गुजरात दुनिया का पहला राज्य बन गया ऐसा जहाँ पे पीएम उत्सर्जन ट्रेडिंग योजना की शुरुआत हुई है। कब हुई है? 5 जून, पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून 2019 को। किसने करी है? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया है। किसकी शुरुआत की गई है? पार्टिकुलेट मैटर की, जिसे शॉर्ट में पीएम कहा जाता है। ये क्या है? ये दुनिया की पहली उत्सर्जन व्यापार योजना है, यानी कि ETS, ठीक है। दुनिया की पहली उत्सर्जन व्यापार योजना क्या है? पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा। कब? पर्यावरण दिवस के मौके पर, यानी कि 5 जून 2019 को। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है PM 2.5 और PM 10 पार्टिकुलेटर प्रदूषण को कम करना, ठीक है। इसके अलावा जो भी, देखिए, ऐसे बड़े देश होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो काफी, जैसे प्रदूषण की काफी समस्या है, तो इनसे निपटारे के लिए काफी कुछ किया जाता है। अब जैसे ऊपर लॉन्च किया गया, अब इसके अलावा क्या किया गया? पर्यावरण, वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता के लिए एक सॉन्ग भी लॉन्च किया गया, हवा आने दे, ठीक है। तो काफी सारे इनके वो होते हैं टॉपिक्स, तो आप इन सबको अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। तो कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया गया? हवा आने दे। कब? 2019 में। ओके, MOEAFCC, ठीक है। इन्होंने वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हवा आने दे संगीत लॉन्च किया है। MOEAFCC का मतलब है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। इसे नई दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सी के मिश्रा द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निकलता है, हवा आने दे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सी के मिश्रा द्वारा लॉन्च किया गया, या फिर पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सी के मिश्रा द्वारा कौन सा गीत लॉन्च किया गया? तो हवा आने दे गीत लॉन्च किया गया, ठीक है। दिमाग में फिट हो गया आपके। गीत का निर्माण, अब देखिए गीत का निर्माण किसने किया गया है? MOEAFCC ने, भामला फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से इसका निर्माण किया है। किसके द्वारा लिखा गया है? श्री स्वानंद किरकिरे द्वारा। हवा आने दे सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया? श्री स्वानंद किरकिरे द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसके अलावा गाया किसके द्वारा गया? तो गाया गया सुनिधि चौहान, श्री शांतनु मुखर्जी, श्री शंकर महादेवन और कपिल शर्मा द्वारा इसे गाया गया, ठीक है। 4 लोग हो गए, याद रखिएगा, 4 लोग हो गए। हवा आने दे सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया? सुनिधि चौहान, श्री शांतनु मुखर्जी, शंकर महादेवन और कपिल शर्मा, ठीक है। लिखा किसके द्वारा गया? श्री सवानंद किरकिरे द्वारा लिखा गया। अब आती है बात निर्देशन की, तो निर्देशन है श्री रामाचक अरोड़ा, ठीक है। निर्देशन किसके द्वारा किया गया? श्री रामाचक अरोड़ा द्वारा इसका निर्देशन किया गया। ओके गाइज, टॉपिक क्लियर कर लीजिए सारे। इसके बाद पर्यावरण दिवस के मौके पर ही पश्चिमी घाट के लुप्त प्राय सरीसृपों की पुस्तक का अनावरण किया गया। इम्पोर्टेंट है पर्यावरण दिवस के मौके पर, या फिर ऐसे भी आ सकता है 5 जून को किस पुस्तक का अनावरण किया गया? तो लुप्त प्राय सरीसृपों की पुस्तक का, ठीक है। पुस्तक में क्या है? पुस्तक में सरीसृप की 123 से अधिक लुप्त प्राय प्रजातियों का विवरण है, ठीक है। सॉरी गाइस, पुस्तक में क्या है? 123 से अधिक लुप्त प्राय प्रजातियों का वितरण है। इसे टाटा पावर ने इला फाउंडेशन के सहयोग से लॉन्च किया है, ठीक है। टाटा पावर ने इला फाउंडेशन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। पुस्तक में सांपों, मगरमच्छ, कछुओं, छिपकलियों और गिरगिटों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताया गया है, जो कि अब लुप्त हो चुकी है।
आगे चलते हैं। 5 जून को, 5 जून को एक और डे मनाया गया, वो है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ठीक है, ये 5 जून को मनाया गया, ये भी इसे शॉर्ट में IUU कहा जाता है। देखिए, 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड यानी कि IUU फिशिंग, इसे मनाया गया किस लिए? IUU का मुकाबला करने के लिए, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार 2018 में मनाया गया। ओके, फिर है पोर्ट स्ट्रेट मेजर पर समझौते के दिन को चिन्हित करने के लिए 5 जून का दिन चुना गया है। ठीक है, और प्रस्ताव को मत्स्य पालन समिति यानी कि COFI द्वारा समर्थन किया गया है। इसके बाद है आक्रामकता के शिकार, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया गया। ठीक है, 4 जून अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता दिवस, ठीक है, मासूम बच्चों के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया गया। इसका उद्देश्य है बच्चों को होने वाले दर्द पीड़ा के बारे में जागरूकता, शारीरिक मानसिक भावनात्मक शोषण का जो शिकार हुए हैं उनके लिए ये बनाया गया है कि ताकि ये सब कम हो। कुछ ऐसे संदेश दिए जाते हैं इस दिन, बहुत सी स्कीम्स भी लॉन्च की जाती हैं। प्रमुख बिंदु, वैसे तो बहुत सारे थे, डिटेल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट निकाल ली है उसमें से। जैसे कि 19 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 4 जून को प्रस्ताव पारित किया, वो है ES 78 के तहत आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, क्योंकि बड़ी संख्या में निर्दोष लेबनानी और फिलिस्तीन बच्चे इसराइल के आक्रामक कृत्यों के शिकार बने। ठीक है, फिर है बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले 6 गंभीर कृत्य, भर्ती, युद्ध में बच्चों का उपयोग, हत्या, यौन हिंसा, अपहरण, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले और मानवीय पहुंच ना मिलना शामिल है। ठीक है, ये 6 मेन टॉपिक हैं जो इसमें शामिल हैं, इन्हीं के कारण विश्व आक्रामकता दिवस जो कि 4 जून को मनाया गया। फिर देखिए कुछ डिटेल और है, वो है 2 अप्रैल 2019 को युद्ध से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने और कार्रवाई को लागू करने के लिए एक अभियान, अभियान का नाम है संघर्ष से प्रभावित बच्चों की रक्षा करें, सुश्री वर्जीनिया गंबा द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, को दोनों तरीके से आ सकता है, सुश्री वर्जीनिया गंबा द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया, तो संघर्ष से प्रभावित बच्चों की रक्षा करें, या फिर संघर्ष से प्रभावित बच्चों की रक्षा करें यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो वर्जीनिया गांबा द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, और ये महासचिव हैं जो कि 2022 तक प्रभावी रहेंगी। अब UNGA की बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में, अध्यक्ष है मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, नामित अध्यक्ष हैं प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बंदे, सितंबर 2019 में ज्वाइन किया इन्होंने, सॉरी सितंबर 2019 तक रहेंगे। ठीक है, अब 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। ठीक है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। आधुनिक ऑटोमोबाइल के इस वर्तमान युग में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 जून को सालाना विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। पहला विश्व साइकिल दिवस जो है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 अप्रैल 2018 को अपनाया गया था। ठीक है, 12 अप्रैल 2018 को पहली बार इसे मनाया गया था, और 3 जून को जो विश्व साइकिल दिवस है 2019 में मनाया गया। इस दिन के जश्न के पीछे 10 साल के लिए पोलिश राष्ट्रीय साइकिल टीम के एक सदस्य रहे प्रोफेसर लेस जेक जे सिब्लिस्की है, मतलब अगर ये दिवस मनाने के पीछे किसी को श्रेय जाता है तो वो जाता है प्रोफेसर लेसजेक जे सिबिल्सकी। ओके, इस दिन का लोगो लोगो है सफेद और नीले रंग की एक छवि। ठीक है, अब
साथ दुनिया भर में चक्कर लगाता साइकिल सवार, #जून 3 वर्ल्ड बॉय साइकिल डे के साथ इसका प्रदर्शन किया गया, इसे दर्शाया गया 2019 में। फिर आज बात करते हैं, 2 जून को कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था, और फिर 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया गया, विश्व दूध दिवस 1 जून, ठीक है। वार्षिक रूप से 1 जून को दुनिया का दूध की खपत और इसके पोषण के लाभों के बारे में जागरूकता देने के लिए विश्व दूध दिवस मनाया गया। 2019 का जो विषय है वो है दूध पियो, था मतलब दूध पियो आज और हर दिन, ठीक है। 2019 का विश्व दूध दिवस का जो विषय था वो था दूध पियो आज और हर दिन, ठीक है। एफएओ की कुछ बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में, मुख्यालय इसका रोम इटली में, महानिदेशक है जॉस ग्राजियानो दा सिल्वा। ओके सो गाइस, अब हम 1 जून को एक और इम्पोर्टेंट डेज है, पेरेंट्स सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हीं की याद के लिए, उन्हीं के सम्मान के लिए माता पिता का वैश्विक दिवस जो कि 1 जून को मनाया गया। माता पिता के वैश्विक दिवस को 1 जून को दुनिया भर में माता पिता के सम्मान में मनाया जाता है, ये काफी कम लोगों को ये बात पता है। माता पिता का उनके बच्चों के साथ भविष्य बनाने के लिए निस्वार्थ प्रेम का जश्न है ये दिन। माता पिता का पहला वैश्विक वैश्विक दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में प्रस्ताव ए RES 66/292 के साथ घोषित किया गया था। इस वर्ष का जो विषय है ये काफी इम्पोर्टेंट है, इस वर्ष का जो विषय है अपने माता पिता का सम्मान करें, ऑनर योर पेरेंट्स। ओके सो याद कर लीजिए सारी चीजें, देखिए रिपीट कर लेते हैं एक बार और। 1 जून, 1 जून को माता पिता वैश्विक दिवस, ठीक है, उसका विषय था अपने माता पिता का सम्मान करें, ऑनर योर पेरेंट्स। उसके बाद 1 जून को ही एक और दिवस मनाया गया, वो था विश्व दूध दिवस, ठीक है। विश्व दूध दिवस इसका विषय था दूध पियो आज और हर दिन। 2 जून को कुछ खास नहीं था, 3 जून को था विश्व साइकिल दिवस, ठीक है। उसके बाद 4 जून, 4 जून को था आक्रामक दिवस, बच्चों की याद में जो मनाया गया, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया गया। 5 जून को काफी इम्पोर्टेंट डे था, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, विश्व पर्यावरण दिवस, जिसके काफी सारे चीजें आपको लर्न करने के लिए हैं, तो पढ़ लीजिए एक बार या वीडियो को सुन लीजिए दोबारा। वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन हवा एक सॉन्ग लॉन्च किया, हवा आने दे, ठीक है। और गुजरात में पीएम उत्सर्जन ट्रेडिंग योजना की शुरुआत की गई विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ही। सेल्फी विद सैपलिंग्स अभियान की शुरुआत की गई विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया, ठीक है। 6 जून की बात करें तो महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, कौन सी, 479th जयंती इनकी मनाई गई, ये स्वतंत्रता के पहले युद्ध की शुरुआत करने के लिए इन्हें जाना जाता है, और मेवाड़ के 13वें राजपूत थे, ठीक है। अब 7 जून विश्व स्वास्थ्य संगठन, सारी डिटेल पढ़ लीजिएगा, ये आ गया विश्व स्वास्थ्य, ओह सॉरी, 7 जून यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, काफी शॉर्ट में मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों का रिवाइज करवा दिया है, और डेली इस तरह के वीडियो लाएंगे। सैटरडे संडे का शेड्यूल जरूर बता दीजिए कि क्विज चाहिए या फिर वन वर्ड, और क्विज चाहिए तो क्विज भी ले देंगे, पर क्विज में फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, पर वन वर्ड में ये है कि आपसे 50 या 100 क्वेश्चन इजिली हम आपके रिवाइज करवा देंगे, और थोड़ा ज्यादा टाइम लें तो आपको और ज्यादा क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है, जिससे आपकी करंट अफेयर काफी स्ट्रांग हो जाएगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए अगर पूरी प्रिपरेशन करनी है, खाली क्वेश्चन आंसर्स से तो प्रिपरेशन हो नहीं सकती। नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी है, ठीक है। सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं कल, नहीं मिलते हैं 2 घंटे बाद, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में। आज आपको मिलेगा चीन का जो बाउंड्री शेयर है, वो मेरा ड्यू चल रहा था, तो चीन की जो बाउंड्री शेयर हो रही है भारत के राज्यों के साथ, उसका वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।